नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। अफगानिस्तान में एक बार फिर से आत्मघाती हमला हुआ। इस बार राजधानी काबुल को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल के एक शिक्षा केंद्र में आत्मघाती बम विस्फोट हुआ। इसमें कम से कम 100 बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया की माने तो घटना में ज्यादातर छात्र मारे गए हैं। ज्यादातर हजारा और शिया थे। हजारा अफगानिस्तान का सबसे बड़ा जातीय समूह है। जानकारी के मुताबिक विस्फोट शहर के पश्चिम में दश्ते बारची इलाके में काज शिक्षा केंद्र में हुआ। यहाँ ये एक नकली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा चल रही थी। इसका मकसद छात्रों को असली परीक्षा के लिए तैयार करना था। कक्षा खचाखच भरी थी, तभी ये हादसा हुआ। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। तालिबान के अधिकारी ने बताया कि राजधानी काबुल के शिया बहुल इलाके में शुक्रवार सुबह हमला किया गया। यहां दश्ती बारची इलाके में एक शिक्षा संस्थान के अंदर विस्फोट हुआ। प्रवक्ता अब्दुल नफी टक्को ने बताया कि जानकारी के बाद सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर रवाना किया गया। अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। अफगानिस्तान के दश्ते बारची इलाके में जिस स्कूल परिसर में हमलावर ने धमाका किया, वहाँ पूरे क्षेत्र में भगदड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के मुताबिक कक्षा की क्षतिग्रस्त टेबलें और मलबा वीडियोस में दिख रहा है। अस्पताल फर्श पर शवों की कतार दिखाई दे रही है। वहीं धमाके के बाद कई माता पिता अपने बच्चों को ढूंढते नजर आए। अस्पताल में घायलों के तुरंत उपचार के लिए व्यवस्था भी नहीं थी। हमले की संयुक्त राष्ट्र व अमेरिका ने निंदा की है। अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन के प्रभारी करेन डेकर ने कहा कि परीक्षा देने वाले छात्रों से भरे कमरे को निशाना बनाना शर्मनाक है। काज एजुकेशन सेंटर एक निजी शिक्षा संस्थान है। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से देश में लड़कियों के अधिकांश स्कूल बंद हैं। सिर्फ कुछ निजी स्कूल खुले हैं जिनमें ज्यादातर शिया मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।